New Oxford Modern English Book, Class 6th, Chapter Home Sweet Home, Question Answers with its Explanation. Words and their meaning, words to know. Accompaniment, that means music that is played with someone who is playing the main tune. Yani uske saath music bajana jo ki main tune baja raha hai. Second, adorned, decorated, beautified. Just kisi cheez ko decorate karna, that is adorned. Aghast, struck by horror and amazement. Matlab dar jana, dar ke hairan ho jana. Ambled, strolled or walked slowly. Dheere dheere chalne ko bolte hain, ambled. Disbelievingly, in a manner suggesting a refusal to believe. यानी किसी की बात का विश्वास नहीं करना. Embers, small piece of glowing wood or coal in a dying fire. छोटे छोटे वुड के टुकड़े या कोल के टुकड़े जो आग जलाने के लिए यूज होते हैं. Emerged, came out of or came into view. Emerge होना यानी कहीं से बाहर निकल के आना या एकदम से दिखाई देना. Forlornly, मतलब sadly. Forlornly यानी बहुत उदास होके या फिर कोई चीज़ छीनना. Desperately यानी जिसकी बहुत इच्छा हो वो चीज़ किसी से छीनना. Irritable, easily irritated or annoyed. बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना या बहुत जल्दी इरीटेट हो जाना. Jangling, a harsh metallic sound. Jangling मतलब जैसे बर्तनों का आवाज़ जैसे बिल्कुल harsh sound जो अच्छा न लगे. Jovially, मतलब marked by hearty good cheer or cheerfully, बहुत खुश हो जाना. Muffle, means to stifle or to deaden, मतलब ख़त्म हो जाना कहीं पे. Percussion, मतलब a section of an orchestra consisting of instrument that can be struck such as drums or tambourines. एक ऑर्केस्ट्रा जहाँ बजती है, ऑर्केस्ट्रा यानी जहाँ म्यूज़िक बजती है वहाँ पे जोर जोर से इंस्ट्रूमेंट के बजने की आवाज़ आना जैसे ड्रम या टैम्बरिन्स का. स्कूटर्ड मीन्स रन हरिडली आर स्कूरीड यानी जल्दी जल्दी दौड़ना या फास्ट चलना. स्नोर्टिंग मीनिंग मेकिंग अ साउंड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू द नॉस्ट्रल्स क्विकली. स्नोरिंग मतलब एक नाक से खराटे मारने का जो आवाज़ होता है उसे. टैम्ब्यूरिन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ ड्रम हेड एंड अ स्मॉल मेटल डिस्क फिक्स्ड इन द साइड. टैम्ब्यूरिन एक डफली जैसा मटेरियल होता है जिसको बजाया जाता है. टर्मोइल मीन्स कन्फ्यूजन इन अ स्टेट ऑफ अपहील. टर्मोइल का मतलब होता है वो स्टेट जहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो या जहाँ पर बहुत समझ में ना आए कैसे डील करना है. Comprehension. Answer the following questions. A. What were the children doing in the house? बच्चे घर में क्या कर रहे थे? Janko's 9-year-old son was drumming and his 7-year-old daughter was playing the tambourine. Janko की 9 साल की बेटी बेटा ड्रम से खेल रहा था और उसकी 7 साल की बेटी टैम्बरिन बजा रही थी. B. What were Monica and Janko doing at this time? Monica और Janko इस वक्त क्या कर रहे थे? Answer. Janko was trying to read the newspaper and his wife Monica was in the kitchen. Janko newspaper पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसकी wife Monica kitchen में थी. C. What effect did the children's music have on Janko? चिल्ड्रन के म्यूज़िक का जेंको पे क्या असर पड़ रहा था? आंसर द चिल्ड्रन एंटोन एंड जोनास म्यूज़िक मेड जेंको's टेम्पल्स थ्रॉब एंड गेव हिम अ हेडेक. ही फेल्ट एज अ सेक्शन ऑफ अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा वॉज प्लेइंग एट इट्स लाउडेस्ट. जेंको के बच्चे जिस एक का नाम एंटोन और दूसरे का आयोना जो दोनों ये दोनों थे ये म्यूज़िक खेल रहे थे वो खिलौनों से खेल रहे थे म्यूज़िक बजा रहे थे जिसकी वजह से जेंको के टेंपल यानी सर में
बज रहा था वो म्यूज़िक और सर दर्द होने लगा और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा बहुत ज़ोर से बज रहा है, ऐसा आवाज़ उसको महसूस हो रहा था। डी, इन वॉट वेज डिड मोनिका शो दैट शी वॉज ऑन द साइड ऑफ द चिल्ड्रन, किस तरीके से मोनिका ने यह दिखाया कि वह बच्चों के साइड थी। आंसर, व्हेन जेनको आस्क्ड हिज चिल्ड्रन टू स्टॉप प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड पुट अवे ऑल द टॉयज इन द कबर्ड, मोनिका केम आउट ऑफ द किचन एंड चैलेंज्ड। जब जेनको ने अपने बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए मना किया और टॉयज को कबर्ड में रखने के लिए बोला तो मोनिका किचन से बाहर आ गई और चैलेंज किया और अपनी तरफ से चैलेंज करके बोली जेनको को, जेनको आस्किंग हिम एज टू वेयर द चिल्ड्रन वुड प्ले, और उसने जेनको से पूछा कि आखिर बच्चे कहाँ खेलेंगे। मोनिका ऑल्सो टोल्ड हिम दैट दे ऑल नीड टू लर्न टू शेयर द स्पेस, मोनिका ने यह भी कहा कि जेनको को स्पेस बांटना सीखना चाहिए। हाउएवर लिटिल इट माइट बी, चाहे वो कितनी भी छोटी जगह क्यों ना हो, जेनको ने स्पेस बांटना आना चाहिए। द चिल्ड्रन ऑल्सो फेल्ट इरीटेटेड वैन जेनको स्नोड एट नाइट, बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है जब जेनको रात को खराटे लेता था। जस्ट द वे ही वॉज फीलिंग अनॉयड विथ द नॉइज देवर मेकिंग वाइल प्लेइंग, उसी तरीके से बच्चे रात को तकलीफ महसूस करते हैं जब जेनको खराटे लेता था, पर वो बच्चे उसके साथ एडजस्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट मेड गिगल, गिगल यानी छुप छुप के हंसना, यहाँ पे क्वेश्चन है किस वजह से बच्चे हंसने लगे। मोनिकास कंपैरिजन ऑफ जेनको स्नोरिंग टू अ बफेलो रनिंग हियर एंड देयर मेड द चिल्ड्रन गिगल, मोनिका ने कंपेयर किया जेनको उसके खराटे मारने को किससे, बफेलो के इधर उधर दौड़ने से, इस वजह से बच्चे धीरे धीरे मुंह में हंसने लगे। हाउ हैड वाइस ईवा हेल्प जेनको बिफोर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे वाइस ईवा ने जेनको को पहले मदद की थी। वाइस ईवा हैड हेल्प्ड जेनको बिफोर, वाइस ईवा ने जेनको को पहले मदद की थी बाय सजेस्टिंग हिम अ वे ऑफ कीपिंग द बर्ड्स अवे फ्रॉम हिज वेजिटेबल पैच इन हिज गार्डन। वाइस ईवा ने जेनको को मदद की थी, उसके जो बर्ड्स, उसके पास एक वेजिटेबल पैच था जहाँ पे वो खेती किया करता था अपने गार्डन में, उसमें से बर्ड्स को कैसे दूर करे, इस बात के लिए वाइस ईवा ने जेनको को पहले मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट डिड ईवा लुक लाइक, ईवा कैसे दिखती थी, गिव अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हर, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताओ, या फिर हम इस क्वेश्चन को ये भी बोल सकते हैं राइट द करेक्टर स्केच ऑफ ईवा, ईवा के करेक्टर स्केच के बारे में बताओ। ईवा वॉज अ स्मॉल लाइक जेनकोज वाइफ, ईवा जो थी उसकी भी हाइट कम थी जैसे जेनको की वाइफ की थी, बट मच ओल्डर, पर वो उससे काफ़ी बड़ी थी। हर वाइट हेयर पार्टेड इन द मिडल, उसके सफ़ेद बाल बीच में से दो हिस्से में डिवाइडेड थे, एंड फ्लोइंग ओवर हर शोल्डर्स, और वो बाल उसके शोल्डर्स पे लहराते थे। मेड हर लुक लाइक अ विच, जो उसका अपीरेंस बहुत ख़राब, एक विच के जैसा बोला गया है, जैसे चुड़ैल के जैसे अपीरेंस कर देती थी। विदाउट अ क्लॉक और अ ब्रूम, एक जो चुड़ैल जिसके पास झाड़ू और एक जो जादू की छड़ी होती है उसके बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड जेनको टेल ईवा अ लाई अबाउट हिज लाइफ, व्हाट वाज इट, क्या जेनको ने ईवा को कुछ गलत बोला फॉर अबाउट हिज वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में क्या जेनको ने ईवा को कुछ गलत बोला और वो क्या था। यस, जेनको टोल्ड ईवा अ लाई दैट हिज वाइफ स्नोड एट नाइट, यहाँ पे जेनको ने ईवा से ये झूठ बोला कि जो उसकी वाइफ है वो रात को खराटे मारती है। वाइल इट वॉज एक्चुअली ही हिमसेल्फ डिस्टर्ब्ड एवरीबडी एल्स बाय हिज स्नोरिंग,
पर एक्चुअली जेनको खुद सभी को डिस्टर्ब करता था खराटे मार के। हाउ डिड जेनको फील आफ्टर द एनिमल वर रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस? जेनको को कैसे क्या महसूस हुआ जब उसने एनिमल्स को अपने घर से दूर निकाला? After the animals were shifted back the barn from the house, Jenko lived a sigh of relief. Animals को वापस barn में भेजने के बाद Jenko ने काफ़ी शांति महसूस की. He felt comfortable in his home sweet home. वो अपने घर में काफ़ी comfortable महसूस करने लगा. With the sound of his wife, उसकी wife की आवाज़ और बच्चों की आवाज़ background में. He also realized that there was plenty of room for everyone. और उसने यह भी realize किया कि घर में काफ़ी स्पेस है सभी के लिए. More difficult questions. What statements and clues are there to indicate that the house was indeed small? कौन से स्टेटमेंट और क्लूज ये बताते हैं कि जो घर था वो काफ़ी स्मॉल था? देर आर सर्टन क्लूज एंड स्टेटमेंट टू इंडिकेट दैट द हाउस वॉज इंडीड स्मॉल. वो स्टेटमेंट्स हैं, मोनिकास किचन वॉज टाइनी. मोनिका का किचन बहुत छोटा था. बट नॉट लार्जर देन अ कबर्ड, पर कबर्ड से कोई बड़ा नहीं. इसका मतलब मोनिका का जो किचन है वो बहुत ही छोटा था. जेनको कैप्ट हिज चिल्ड्रन Jenko kept the children up all the night by his snoring. Jenko उसकी वजह से बच्चे रात भर काफ़ी disturbed सोते थे क्योंकि वो खराटे मारता था. Jenko himself felt bitter that there was so much of noise around him. Jenko को भी ये बात काफ़ी ख़राब लगती थी कि इतनी ज़्यादा noise है उसके घर में. साउंड मेड बाय हिज चिल्ड्रेन वाइल्ड प्लेइंग. जेनको को बच्चों के खेलते वक्त का आवाज़ भी बहुत ज़्यादा महसूस होता था. रैम्बलिंग ऑफ कार्ट ऑन द रोड. रास्ते पे जो बफेलो के कार्ट यानी बैलगाड़ी वगैरह जाते थे उसके आवाज़. रैटलिंग ऑफ क्रॉकरी, घर में जो क्रॉकरी है उसकी आवाज़. ही टोल्ड ईवा दैट ही लॉन्ग्ड फॉर सम स्पेस एंड पीस ऑफ माइंड. उसने ईवा से कहा कि उसकी बहुत लॉन्ग यानी इच्छा है कि उसको कुछ स्पेस और कुछ शांति मिले. वॉट वॉज जेंकोस रियल प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ईवा सॉर्ट इट आउट? हाउ डू यू थिंक शी सॉल्व हिज फर्स्ट प्रॉब्लम? जेंको क्वेश्चन है कि जेंको का असली प्रॉब्लम क्या था, ईवा ने उसे कैसे सॉल्व किया? जेंको's actual problem was more psychological over anything else. जेंको का जो प्रॉब्लम था वो उसकी सोच का प्रॉब्लम था किसी और चीज के अलावा. He felt that if he had a mansion, उसका ये सोचना था कि अगर उसे एक बहुत बड़ा मिखिल्स के जैसा जो डाउन मिखिल का घर जो रोड के नीचे था वैसा रहेगा तो उसकी जो लाइफ है वो वैसा वो घर चाहता था. और वो चाहता था तभी उसे पीस मिलेगा और लेस नॉइजी रहेगा. बट बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट ही कुड नेवर हैव अ हाउस एज बिग एज दैट ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड. जब उसे ये महसूस होता था कि इतना बड़ा घर लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करता था. ईवा सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय सजेस्टिंग दैट ही शुड मूव ऑल द एनिमल्स फ्रॉम द बार्न into his house. ईवा ने यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जेंको को एक रास्ता बताया और उसे कहा कि सारे जो जानवर हैं वो बांध से घर में लेके आ जाओ. आफ्टर द रिजल्ट इन केओस, उसकी वजह से जानवरों के एनिमल्स के जो बांध में थे वो घर में आने की वजह से पहले ही छोटे घर में और मुश्किलें बढ़ गई और नॉइज़ भी एंड इंक्रीज नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. फिर जब एनिमल्स को वापस वंस अगेन बैक टू द बार्न भेजा गया तो सभी को काफ़ी राहत महसूस हुई.
और जेंको को यह महसूस हुआ कि उसके घर में प्लेंटी ऑफ स्पेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट मेड बाय मोनिका सम्स अप वॉट वी हैव टू डू व्हेन स्पेस इज लिमिटेड. हाउ वुड यू हैव मैनेज्ड इन द सेम सिचुएशन एज द फैमिली. नाउ यहाँ पे जो मोनिका का क्वेश्चन है कि वो स्पेस लिमिटेड है और उसमें कैसे मैनेज करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना है. मोनिका स्टेटमेंट दैट वन लर्न दैट द वन लर्न शेयर द स्पेस सम्स अप बाय द आइडियल एटीट्यूड. मोनिका का ये जो स्टेटमेंट है कि सभी ने छोटी सी जगह को भी शेयर करना सीखना चाहिए, ये उसके अच्छे एटीट्यूड को दर्शाता है इवन स्पेस लिमिटेड होने के बाद भी. When we face the same situation, जब हम ऐसी same situation अपनी family में face करेंगे तो we learn to manage everything in the less space. हम उससे family में properly कैसे manage करना है छोटी space पर ये सीख सकते हैं. And also we will लर्न टू शेयर एंड केयर फॉर ईच अदर. और इस स्टेटमेंट से हम घर में सभी के साथ शेयरिंग और केयरिंग की भावना भी सीखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी वेयर बट इन माई ईयर हु सेड दीज वर्ड्स. आंसर है इसका द जेंको सेड दीज वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट क्वेश्चन इज द स्पीकर आंसरिंग. मोनिकास क्वेश्चन एज टू वेयर द चिल्ड्रन वर सपोज टू प्ले मेड जेंको गेव दिस आंसर. मोनिका का ये जो क्वेश्चन था कि आखिर बच्चे कहाँ सीखेंगे, इसलिए उस जेंको को ये बोलना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट नॉइज इज द स्पीकर एक्यूज ऑफ मेकिंग एंड वेन. जेंको इज एक्यूज ऑफ स्नोरिंग एट नॉइज. कौन सा साउंड के लिए जेंको को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और कब जेंको को रात को खराटे लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था. Your expression tells me there is something on your mind. तुम्हारा expressions बोल रहे हैं कि कुछ तो तुम्हारे दिमाग में है. ये second reference to context है. Who is the speaker and to whom are the whole words addressed? कौन है speaker और उसके किसके लिए बोला जा रहा है. Eva, the wise one, is saying these words to Jenko. Next question. What kind of expression did the person have? जेंको हैड अ फॉर्मल यानी सैड एक्सप्रेशंस थे और अ वेरी सैड एक्सप्रेशन. व्हाट वाज द पर्सनस माइंड. व्हाट वाज ऑन द पर्सनस माइंड. हाउ जेंको कुड हैव सम स्पेस. उसके जेंको के माइंड में क्या था कि जेंको को कुछ स्पेस कहाँ से मिलेगी. इन हिज स्मॉल होम फॉर हिमसेल्फ. इस छोटे से घर में उसके लिए इतने सारे नॉइज़ के साथ विद सो मच नॉइज अराउंड हिम वॉज ऑन हिज माइंड. ये सब उसके दिमाग में चल रहा था. वर्किंग विथ वर्ड्स. यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है. इसके बाद होता है वर्किंग विथ वर्ड्स.